हफ्ते की सबसे बड़ी खबर जैसा कि आप सब जानते हैं वो तब हुई जब राजामौली सर द्वारा डायरेक्टेड RRR फिल्म का गाना नाटू नाटू कंपोज बाय मिस्टर MM कीरावानी को गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब मिला और इसी के साथ ही देश भर खुशी से झूम गया। इनफैक्ट जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थे वो तो खुशी के साथ साथ कंफ्यूज भी हो गए कि नाचो नाचो नहीं था वो। Now this was the first time जब किसी इंडियन आर्टिस्ट को गोल्डन ग्लोब्स में सम्मानित किया गया। अब ये गोल्डन ग्लोब्स, ऑस्कर्स, एमीज ये काफी बड़े अवार्ड होते हैं, इंटरनेशनल स्तर पर दिए जाते हैं, उनके मायने भी होते हैं। ना फिल्म फेयर तो अनन्या पांडे को भी मिल जाता है। मुझे क्यों तोड़ा? तो ये एक नेशनल अचीवमेंट था और जाहिर सी बात है इसके बाद लोग काफी खुश हो गए एंड द फैंस वेंट बजर्क। क्या बोले मैं समझा नहीं। कैसे NTR भाई? My fans are berserk. Berserk. तुमसे ना हो पाएगा। मतलब एंटी कोलोनियल सेंटीमेंट पे पूरी पिक्चर चल गई और जब वहां अवार्ड लेने गए तो वहां अपना एक्सेंट भी ठीक से नहीं ले जा सके। क्या यार NTR भाई। अब इस खबर में पब्लिक अटेंशन था तो भाई पॉलिटिक्स भी होनी थी, जिसकी शुरुआत की आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी ने, जिन्होंने अपने ट्वीट के द्वारा इसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आंध्र प्रदेश का अचीवमेंट बताया। एंड लेट्स बी क्लियर, उनके ट्वीट में लेट्स टेक दिस एंड मेक इट अबाउट मी वाली वाइब्स आ रही थी। फिर सिंगर अदनान सामी ने इसे कॉल आउट करते हुए इसे सेपरेटिस्ट मेंटेलिटी का एग्जांपल बताया और बताया कि आंध्र प्रदेश से या तेलुगु सिनेमा से कई पहले ये इंडिया की अचीवमेंट है और ऐसी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, खासकर ऑन द डे जहां पर अवार्ड जीता गया है। एंड आई पर्सनली अग्री विद दिस व्यू पॉइंट, क्योंकि ऐसे मौके पर ये जो आप जानबूझकर आंध्र प्रदेश सेंटीमेंट निकाल कर आप इस पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर कर रहे हो, तो भाई जब नेशनल अचीवमेंट है, नेशनल सेलिब्रेशन है, तो आप थोड़ा मामला किरकिरा कर रहे हो और पॉलिटिक्स खेल रहे हो। सही पकड़े हैं। एवरीवन, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करना और ऐसे ही और न्यूज एंटरटेनिंग तरीके से देखने के लिए मुझसे मिलिए हर संडे 9 बजे संडे शो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना।